Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book. Guys, sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, bas confirmation denge. Sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, bas confirmation do yaar. Is audibility absolutely fine to each and everyone? फटाफट से जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे मस्त तरीके से. और आज हमारी फिजिक्स की मैराथन है गाइस, आप सभी बच्चों को पता है. और आज हम लोग बेहतरीन तरीके के हर एक टॉपिक से कहीं ना कहीं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस को गजब लेवल पे करने वाले हैं. आप सभी बच्चों को पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटी से फिजिक्स के लिए मैं आप लोगों के सामने रोज आता हूँ बेटा. हर दिन हमारी क्लास चलती है. मेरी जो क्लास का टाइमिंग होता है उसको भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को. मेरी जो क्लास का टाइमिंग होता है वो डेली मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की अगर हम बात करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक मेरी जो क्लासेस का टाइमिंग होता है वो रात को 10 बजे से 11 बजे तक होता है यूट्यूब पर, क्लियर. और सैटरडे संडे को हम लोग मैराथन के लिए मिलते हैं. और सैटरडे और संडे दोनों दिन की गाइस हमारी जो मैराथन होती है वो रात को, वो शाम को होती है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक. ऐसा कोई दिन नहीं होगा गाइस जिस दिन मैं आपको मिलूंगा नहीं, हर दिन मैं आप लोगों को मिलूंगा और गजब लेवल पे हम लोग सारी चीजों को एग्जीक्यूट भी करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? परफेक्टली क्लियर सर. चलिए तो आज एकदम मचा देंगे सेशन को. सभी बच्चे एक बार टेलीग्राम पर लाइक एंड शेयर कर देंगे. टेलीग्राम पर लिंक नहीं पहुंची है मुझे पता है. एक बार एक बच्चा कोई लिंक डाल के बस लिख देना यार मोहित सर इज लाइव नाउ, ठीक है, ताकि अपन लोग मचा दें एकदम बेहतरीन तरीके से जल्दी फटाफट. पेप थर्ड वीक में एग्जाम होगा सर. ओके बलराम भाई, मैं तो पहले बता चुका हूँ 15 फरवरी के बाद का वेट करो मिनिमम, ठीक है, आफ्टर 15 फरवरी. गुड इवनिंग कार्स मशीन्स. चलिए सो एक बार जल्दी सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे यार मस्त तरीके से. सभी बच्चे एक बार दिल से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे मस्त तरीके से. मस्त तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर मार देना यार मस्त तरीके से. फिर चलेंगे भाई अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी. तो आज के पहले सवाल के ऊपर जाने से पहले एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन जल्दी. जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर मारो यार. गुड इवनिंग, हेलो अक्षय. चलिए गुड इवनिंग सोमनाथ. जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करो यार. टेलीग्राम पे बात पहुंच जानी चाहिए. वी आर लाइव नाउ. क्या कर रहे हो यार, इतने थके हुए हो तुम लोग आज? हाँ इतने थके हुए, थकना मुझे चाहिए तुम लोगों को नहीं, मैं नहीं थका हूं. मॉर्निंग 11 बजे से क्लास ले रहा हूं यार, मैं नहीं थका हूं, तुम लोग कैसे थक सकते हो यार? हाँ अभी तो हमको हमारे अंदर जान होनी चाहिए. सर कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस मलार निवास, I can explain, I can speak in English also, but the thing is, if there are so many students who are not able to understand exactly in English, that was the reason I have to explain completely in Hindi. But if you have any doubt, you can just ask to me, I can explain in English also. So no need to worry about it. Jalli, jalli, jalli bhai, chaliye. Toh aaj ka pehle question ki taraf rukh modte hain. Dimension of Planck's constant. Ek Planck's constant ka dimension kya hota hai? Sare bachcho ko pata hona chahiye bhai Planck's constant ka dimension. सारे ही बच्चों को पता होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन. बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए 6.6. सारे बच्चों को पता होना चाहिए 6.62 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -34. और यूनिट बता दें सभी बच्चे इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बता दें सभी बच्चे इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे ही आपको इसकी यूनिट पता चलेगी अपने आप प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन भी पता चल जाएंगे. ये यहाँ पर टी बगल में आ गया, टी की पावर -1, ये टी की पावर -1 है और ये L की पावर स्क्वायर है, राइट. चलिए तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है. प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट पता चल जाएगी तो डायमेंशन अपने आप निकाल देंगे. गुड. तो प्लैंक्स कांस्टेंट की हमारी जो यूनिट होती है वो जूल सेकंड्स होती है. कितनी होती है बेटा? जूल सेकंड. अब जूल क्या होती है तो सभी को पता है एनर्जी होती है, राइट. जूल सभी को पता है एनर्जी होती है. तो एनर्जी के डायमेंशन आप सबको पता होना चाहिए और टाइम के डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, बस आप अपने आप निकाल लोगे. तो जूल क्या होता है? एनर्जी होती है. और एनर्जी क्या होती है तो आप सभी को बच्चों को पता होना चाहिए. एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी कैसे निकालोगे, है ना? तो एनर्जी के डायमेंशन पता होना चाहिए, उसमें टाइम मल्टीप्लाई करोगे. तो मैं आपको बता देता हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट के जो डायमेंशन निकल के आने वाले हैं वो ML स्क्वायर टी माइनस वन निकल के आते हैं. ये हमारे निकल के आते हैं बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन. कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हो. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ML स्क्वायर टी माइनस वन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ML स्क्वायर टी माइनस वन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. What happened to the potential difference between the capacitors parallel plates as the distance between parallel plate is half? अगर हम एक parallel plate capacitor को लेते हैं, सब mix चलेगा बेटा, एकदम model paper की तरह है.
ठीक है। और आज मेरा जो फोकस है रोज न्यूमेरिकल पे रहता है, आज मेरा फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी के ऊपर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट हैपेंड टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हमारे पास है तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो उसके पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देते हैं तो उसके पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताएंगे। तो उसके पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ना चाहिए, तो बेटा अगर डिस्टेंस की बात करने जा रहे हो तो डिस्टेंस के केस में जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन ए बाय डी। अब अगर आप डी को क्या कर देते हो, हाफ कर देते हो, यानी कि डी बाय टू कर देते हो, तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर आपका कैपेसिटेंस डबल हो गया तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू इक्वल टू सी वी। क्या बोलते हैं बेटा, क्यू इक्वल टू सी वी। तो अगर हमारा है ना, तो सी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। सी किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। मान लेता हूं हमारे कैपेसिटर में चार्ज क्या है, सेम ही है, राइट। तो अगर हमारा कैपेसिटेंस आज डबल हो जाता है तो वोल्टेज हमारा क्या हो चुका होगा, वोल्टेज हमारा क्या हो चुका होगा, आधा। और अगर वोल्टेज आधा हो चुका होगा तो यानी कि वोल्टेज क्या हो चुका होगा, डिक्रीज। वोल्टेज अगर आधा हो चुका होगा तो सॉरी कैपेसिटेंस अगर आधा हो चुका होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर से बोलता हूं एक बार और, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन ए बाय डी, और एप्सिलॉन ए बाय डी जब इसका कैपेसिटेंस होता है तो अगर मेरा डिस्टेंस हाफ हो गया तो मेरा कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। अगर मेरा डिस्टेंस हाफ हो गया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, और अगर मेरा कैपेसिटेंस डबल हो गया तो बाय डिफॉल्ट मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर मेरा पोटेंशियल आधा हो गया दैट मींस मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर सर, गुड इवनिंग रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा गलत है, है ना। आज मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करने वाला हूँ, फॉर्मूलास पे वर्क करने वाला हूँ रिगार्डिंग एनी न्यूमेरिकल, बिकॉज हर दिन मैं न्यूमेरिकल पे ही वर्क करता हूँ। तो आज मेरा कुछ मेन मोटिव है कि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा वर्क करूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये सारे स्टेटमेंट एक रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग दिए हुए हैं, तो जल्दी से ट्राई करें कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है, जल्दी से करेंगे। क्या बात, जल्दी से ट्राई करेंगे कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द आराम से चलेंगे आज, है ना। मतलब आज का सेशन कैसा है ना, मैं बहुत आराम से लेके चलने वाला हूं, एकदम धीरे 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 एक एक क्वेश्चन के ऊपर, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। Resistance of conducting wire is directly proportional to cross section area. Resistance is measure of the opposition of the current in electric circuit. ठीक, चलिए। तो I hope सभी के बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो बेटा, एक resistance का formula क्या होता है, अगर हमारे पास एक कोई भी conductor है, ठीक, इस conductor की लंबाई अगर मान लेता हूँ L है, और इस conductor का cross section मान लेता हूँ क्या है, A। इस conductor का cross section मान लेता हूँ A, तो जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा रो, यानी कि रेजिस्टिविटी इनटू एल डिवाइडेड बाय ए। ये मेरा रेजिस्टेंस होता है बेटा किसी कंडक्टर का, ये मेरा रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का। अब यहां पर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम परफेक्टली सही है। रेजिस्टेंस मेरा है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है। इसके बाद रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, सारे बच्चों को पता है, तो इसका मतलब मेरा ये वाला स्टेटमेंट भी परफेक्टली है। Resistance of conductor wire is directly proportional to cross section area. क्या ये directly proportional to cross section area है? नहीं सर, ये क्या है? Inversely proportional to cross section area है। तो ये statement मेरा पूरी तरीके से क्या होता है? गलत होता है। Then इसके बाद last लिखा हुआ है, resistance is a measure of opposition to current flow in electric circuit. क्या एक electric circuit में current के flow को oppose करने का काम resistance करता है? बिल्कुल सही बात है। तो ये statement भी मेरा सही है। आपसे पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो थ्री इज द रॉन्ग, अदरवाइज ऑल थ्री आर करेक्ट। इज इट क्लियर? परफेक्टली क्लियर सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर शोन बाय अ साइनोसॉइडल ग्राफ। यस, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and the magnitude of electric field is E not equals to B not C. ये question है बेटा electromagnetic wave and electromagnetic spectrum का, इनमें से कौन सा statement गलत है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, आराम से ATC के लिए perfect है, आराम से ATC के लिए perfect है। कुछ बच्चे तो पता है क्लास में आते हैं, पता है क्या करते हैं, YouTube में, YouTube जैसे मोबाइल में YouTube चल रहा है, ऐसे आए देखे क्लास चल रही है AAI ATC physics, ऐसे clear, फिर कहीं और चले गए। मतलब मेरे को
पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है आजकल कि मतलब बच्चा कर क्या रहा है एक्चुअल में, मतलब बच्चे को पता है, मतलब मैं बताऊं एक बात बताता हूं। हाँ, हमारे टाइम पे हमको सिखाते थे दो वर्ड, चार वर्ड मान लो। एक होता है, हमको बोलते थे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए जो आपको बहुत काम आती है, और आपको अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। बहुत बार बहुत सारे लोगों में अपनी खुद की कुछ वीकनेस भी होती है, जैसे किसी को स्टेज फियर है, कोई स्टेज पर चढ़ना नहीं चाहता 100 लोगों के बीच में, ठीक है। किसी को भाई कुछ है, किसी की कुछ वीकनेस है, किसी की स्ट्रेंथ है। किसी की स्ट्रेंथ है, आप मेरी स्ट्रेंथ पूछोगे तो मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ है कि भाई मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे पता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा गलत, मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में सोचता हूँ, तो लाइक एन ऑप्टिमिस्टिक टाइप का पर्सन हूं मैं सोच कुछ भी चीज मेरे आसपास गलत होती है तो मैं ध्यान देना ही बंद कर देता हूँ, ठीक। तो भाई मेरा थोड़ा सा है ना ऐसी सोच है। फिर आती थी हमारे, हमको ये सिखाते थे, एक होती है हॉबी और एक होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों में भी अंतर होता है। हॉबी वो चीज होती है जो इंसान मतलब है ना करना चाहता है ना, मतलब उसको मन, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग है, वो कभी भी बदलता फिलटता रहता है। कभी कुछ खाना पसंद है तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जा गया, कभी टीवी देखना पसंद है तो एक महीने के लिए टीवी देख लिए, फिर टीवी देखने से बोर हो गए, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आज की डेट का बच्चे है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हॉबी, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, इन सारी चीजों को मैश कर चुका है एक्चुअली में। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल आर थ्री डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली, है ना। ऑल आर थ्री एक्चुअली में ये सब चीजें अलग अलग होती है बेटा, ये सब चीजें अलग अलग होती है। आज के बच्चे के पास ना केवल मोबाइल फोन है हाथ में, और आपको पता है ये डोपामिन क्या होता है ना, जितना उसको चलाओगे वो चलता ही जाएगा, बॉडी उसको एग्जीक्यूट करती जाएगी, उसको पता भी नहीं चल रहा है वो एक्चुअली में कर क्या, राइट। तो ऐसा ना बनो यार, ऐसा ना बनो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो सबसे पहले, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बिल्कुल सही बात है, परफेक्टली है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड उतनी ही होती है जितनी एक स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है बेटा जो साइनोसॉइडल ग्राफ से शो की जाती है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दो इस वेव के अंदर बाय डिफॉल्ट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है, और इस वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वो दोनों से 90 डिग्री पर होता है। रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से 3 × 10⁸ टाइम्स ज्यादा होती है, ये भी सही है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बहुत सारे टाइप है, टोटल 7 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अल्ट्रा वायलेट हो गई, इंफ्रा रेड हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, ठीक है। तो ऐसे 7 होती हैं, लेकिन हमारी जो साउंड वेव है ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में कभी भी नहीं आती। हमारी जो साउंड वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में कभी भी नहीं आता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एक एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बाखूबी रिवाइज करवाएगा। एक बार सभी बच्चे यार टेलीग्राम पे शेयर कर देना यार, रिया, नम्रता एंड ऑल, सभी बच्चे एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर दो यार, मोहित सर इज लाइव नाउ लिंक के साथ, फटाफट जल्दी से शेयर कर दो यार एक बार, सभी बच्चे जल्दी से, हैं जल्दी से, राजेंद्र ऑन ऑल, जल्दी से शेयर मारो यार, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फास्ट, सभी बच्चे एक बार शेयर एंड लाइक मारेंगे जल्दी से। जल्दी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है? ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्रिएट करते हैं डोपिंग एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद एन एक्सेप्टर इंप्योरिटी। सोडियम एंड नाइट्रोजन आर एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। बेटा इनमें से बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट। तो इसका मतलब चारों में कोई एक ही सही होगा, है ना। और देखो, सबसे पहले कहा सोडियम एंड नाइट्रोजन, क्या ये सेमीकंडक्टर होते हैं? नहीं, सेमीकंडक्टर बेटा मात्र दो ही हैं, आपको पता है, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। तो ये स्टेटमेंट तो भैया पहले गलत हो चुका है। सिलिकॉन ऑफ ग्रुप 4 हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं, दो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों ही आपके टेट्रावेलेंट होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। अब बच गए आपके दो स्टेटमेंट, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो इंप्योरिटी को मिलाया जाता है जिसके पास क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में वो इंप्योरिटी को मिलाया जाता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, टोटल 3 ही होते हैं। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, या 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोरॉन मिलाया जाता है,
बोरॉन एक्सेप्टर इंप्योरिटी है या डोनर इंप्योरिटी है, जल्दी बताएं बोरॉन क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, बिल्कुल सही बात है। बोरॉन आपका क्या होता है? एक्सेप्टर की तरह काम करता है, क्लियर। तो इसका मतलब एन टाइप में डोनर सही है, तो दोनों में से कौन सा सही है जल्दी बोलो फटाफट, है ना, जल्दी बोलो फटाफट, दोनों में से कौन सा सही है, दोनों में से सही कौन सा, जल्दी बोलेंगे फटाफट, कौन सा सही है दोनों में, एक्सेप्टर इंप्योरिटी या डोनर इंप्योरिटी? तो बेटा इसमें लिखा हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज क्रिएटेड बाय बाय दिस बाय डोपिंग एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद डोनर इंप्योरिटी, है ना, और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भाई ये लाइन बिल्कुल सही लिखी हुई है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्रिएट करते हैं डोपिंग एन, डोपिंग किसको करी जाती है, इंट्रिंसिक को करी जाती है विद एन एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अब आपके मन में ये डाउट आना चाहिए कि सर जब पी टाइप वाले के लिए एक्सेप्टर सही लिखा है तो एन टाइप वाले के लिए डोनर सही होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। लेकिन देखो यहाँ पे लाइन क्या लिखी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक बाय डिफॉल्ट होता है उसको क्रिएट करते हैं बाय डोपिंग एंड एक्सट्रिंसिक, सिर्फ ये वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया, अदरवाइज अगर यहाँ इंट्रिंसिक लिखा होता तो ये भी सही होता, तो ये वाला क्या हो जाता है यहाँ पे गलत हो जाता है। और आपको ध्यान रखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम डोपिंग करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से विद एक्सेप्टर इंप्योरिटी, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया। Which of the following is true? इनमें से कौन सी बात बेटा सच है? The brick is an example of fluid. The force per unit length is called pressure. The raindrops are spherical due to surface tension. The SI unit of surface tension is newton meter. इसमें से बोला कौन सी बात सच है? कौन सी बात सच है? सबसे पहले बेटा कौन सी बात सच है? ब्रिक आप सबने देखी ईंटें, क्या वो फ्लूड का एग्जाम्पल है? कभी जीवन में नहीं हो सकता बेटा, फ्लूड कैसे हो सकता है? फ्लूड मतलब होता है लिक्विड या फिर गैस, और ब्रिक अपने आप में सॉलिड है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड प्रेशर, क्या फोर्स पर यूनिट लेंथ को प्रेशर बोलते हैं? नहीं भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोला जाता है, तो प्रेशर इज नथिंग बट इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम प्रेशर बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ को प्रेशर नहीं बोलते, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है। न्यूटन मीटर जो होती है बेटा ये टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क की यूनिट होती है, न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? टॉर्क की यूनिट होती है। तो क्या आपका जो सरफेस टेंशन है वो टॉर्क की तरह काम करता है? तो क्या ऐसा यूनिट जो टॉर्क सरफेस टेंशन की वो टॉर्क की होनी चाहिए? या रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन? जल्दी बोलो कौन सा गलत स्टेटमेंट है? सारे बच्चों को क्लियरिटी के साथ समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा इनमें से, कौन सा इसमें से, है ना, सही है। तो बेटा एक ही स्टेटमेंट सही है इसमें से कि जो रेन ड्रॉप होती है हमारी वो स्फेरिकल इसलिए होती है ताकि सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन का एक एग्जांपल तो यहाँ पे समझ में आ गया हमको, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है क्या कि ऐसा यूनिट जो सरफेस टेंशन की होती है वो न्यूटन मीटर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक पोल्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स, दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। A magnet is a substance or item that generates a electric field. A magnetic similar poles attract each other, whereas the opposite poles repel each other. Magnetic field crossed each other. जल्दी बोलेंगे इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, और सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। सभी बच्चे मेरे आ चुके हैं, क्या बात है भाई, लव यू यार, लव यू गाइस, लव यू, बहुत बढ़िया। ये स्प्रिट मेंटेन रखना, 55 स्टूडेंट्स वॉचिंग ना हो ना, जब तक मैं खड़ा हूं ना तब तक ये स्प्रिट मेंटेन रखना। दर्द होगा बेटा, मेरे भी पैर दर्द कर रहे हैं, सुबह 11 बजे से यही एज इट इज खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, और लिटरली सुबह से एक समोसे के ऊपर हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये स्प्रिट मेंटेन रखना है आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहले लिखा मैग्नेटिक पोल यानी कि नॉर्थ साउथ पोल अरेंज्ड इन पेयर, क्या वो हमेशा पेयर में होते हैं? दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। सही बात है भाई, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो पहले ही सही हो चुका है कि मैग्नेटिक मोनोपोल यानी कि आपको कभी ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई कहीं पर मान लेते हैं कि एक पोल रखा हुआ है नॉर्थ और वहां साउथ नहीं है, नहीं, अगर नॉर्थ है तो वहां साउथ भी होगा ही होगा, जहां साउथ है वहां नॉर्थ भी होगा होगा। पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं, मिनिमम दो पोल हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा टू के मल्टीपल्स में ही होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या अब ये बाकी की बातें गलत है? चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ईच अदर, गलत बात, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। मैग्नेटिक सिमिलर पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, सिमिलर पोल कभी अट्रैक्ट ईच अदर नहीं करते, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस और आइटम दैट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, मैग्नेट ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, नहीं, वो हमेशा क्या डेवलप करता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। चलो जल्दी देखो, अभी बोला था 55 पूरे देखना, फटाक से भागे। सही है, सही है। सही है, सही है भाई, सही है। चल, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वॉज कॉल्ड, इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर क्या था? ये एक्चुअली एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया, क्या पता कभी मूड बन जाए किसी का तो पूछ ले, देशभक्ति याद आ जाए पेपर बनाने के दौरान।
होता है ना कभी कभी पेपर बनाने के दौरान किसी को देशभक्ति याद आ जाए तो पूछ ले आपके एटीसी की फिजिक्स में, इसलिए मैंने एक्चुअली इस क्वेश्चन को यहां पे पुट कर दिया। कभी कभी आ जाती देशभक्ति भाई याद, है ना, तो आनी भी चाहिए। मान लो पेपर बनाने वाले को एकदम से दिख जाए ऐसा क्वेश्चन और देशभक्ति उसको याद आ जाए, है ना, तो कौन सा है भाई जल्दी बोलो। काफी लोग बच्चे बोल रहे हैं ध्रुव, क्या ध्रुव है, हाँ इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ध्रुव है, एटॉमिक रिएक्टर पूछा है तो एटॉमिक रिएक्टर ध्रुव है कि इंडिया का पहला, या अप्सरा है, जल्दी बोलो एटॉमिक रिएक्टर ध्रुव है या अप्सरा है, एटॉमिक रिएक्टर ध्रुव है या अप्सरा है, जल्दी बोलेंगे। हाँ योगेश भाई को पता होगा, योगेश भाई ने अपनी डीपी में भी सैटेलाइट लगा कर रखी हुई है एकदम, है योगेश भाई ने बोला फोर्थ, द करेक्ट आंसर इज अप्सरा, अप्सरा इज द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर गाइस, अप्सरा इज द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर, ध्रुव इज नॉट ऑल आर रिएक्टर्स, है ना, कामिनी इज ऑल्सो रिएक्टर, जर्लिना इज ऑल्सो रिएक्टर, बट फर्स्ट इज अप्सरा, राइट। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग, ये आपका यंग्स वाईडीएसी का क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, तो आपसे बोला गया एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज की विड्थ होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, और दूसरा क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट प्लेस एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, कौन सी बात सही है, तो बेटा यंग्स डबल स्लिट के यंग्स डबल स्लिट में तो हमारा ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जो गलत आंसर बताएगा, क्योंकि सबको मालूम है कि मोहित सर ने गजब लेवल पे इसको पढ़ाया है, इसको वाईडीएसी और सिंगल स्लिट और यंग्स डबल स्लिट को, क्लियर है ना। हाँ सर, तो बेटा याद रखना यंग्स डबल स्लिट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा स्लिट पहला है, ये हमारा दूसरा स्लिट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिट वन, इसको हम लोग बोलते हैं स्लिट टू, यहां से एक लाइट आती है जिसको बोलते हैं सोडियम से आती है, यानी कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ये हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब वो लाइट होती है जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, जब ये स्लिट के अंदर ऐसे करके जाती है, जब ये स्लिट के अंदर ऐसे जाती है कर्व होकर दुनिया से सीधी सीधी जाती है, तो स्लिट के अंदर जब जाती है तो बेटा ये स्लिट एक सोर्स की तरह काम करने लगता है लाइट का, और ये स्लिट भी एक सोर्स की तरह काम करने लगता है, ये दोनों स्लिट जो होते हैं, स्लिट मतलब एक स्लिट समझ गए ना, एक छेद टाइप का, ये दोनों स्लिट काम करने लगते हैं एक सोर्स की तरह, और ये दोनों अपने आप में कोहेरेंट सोर्स होते हैं। फिर जब आप यहाँ पे स्क्रीन पर इनके द्वारा देखते हो, इन स्क्रीन पर क्या बनती है, यहाँ पे फ्रिंजेस बनती है, क्या बनती है, फ्रिंजेस बनती है, और जब यहाँ पे स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनती हैं तो वो डार्क ब्राइट ऐसे अल्टरनेट फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन पर, और ये जो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्मॉल डी के नाम से पुकारते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल डी के नाम से पुकारते हैं, और अगर मान लेता हूं कोई एक ब्राइट फ्रिंज है, लेट्स सपोज ये व्हाइट वाली ब्राइट है और ये वाली भी व्हाइट ब्राइट है, ये भी व्हाइट ब्राइट है, तो ये जो व्हाइट ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और जो फ्रिंज विड्थ आपकी होती है वो होती है डी लैम्डा बाय 2d, क्या होती है बेटा d lambda by 2d, तो यहां पर याद रखिएगा, है ना, यहां पर याद रखिएगा कि हमारी जो फ्रिंज की विड्थ है ये वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, और इसके अंदर दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट यूज करते हैं एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्टली क्या करते हैं, मैच करते हैं, और दोनों ही स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, क्लियर। चलो कंसीडर The following statement. आज मोहित सर क्या हो गया, आपको थर्मोडायनेमिक्स भी लेके आ गए, मैंने सोचा थोड़ा 11वीं की फिजिक्स में भी आप लोगों को थोड़ी सी उंगली कर दूं, चलो जो मुझे लगता है कि पेपर में देखने को मिल सकता है। चलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है जल्दी करो, कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है जल्दी करो। कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है जल्दी करो, आपको बोला इनमें से स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है ना, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो फॉल्स स्टेटमेंट इनमें से मुझे तो भाई एक ही दिख रहा है, बाकी आपको पता नहीं कितने दिख रहे हैं, है ना, क्या बात है अभी भाई दिल जीत लिया तूने ऐसे बात बोल, फॉल्स स्टेटमेंट मुझे तो एक ही दिख रहा है, तुम लोग करेक्ट वाले बताने लग गए हो, अबे देख लो यहाँ पे पहले फॉल्स लिखा है, अरे फॉल्स लिखा है ना, अरे डी डी काय को बता रहे हो, ट्रू नहीं पूछा फॉल्स पूछा है, जल्दी बोलो फॉल्स है, मुझे ट्रू लगा, लगने से कुछ नहीं होता है होने से होता है। चलो यहां पे देखेंगे फॉलोइंग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग गाइस, तो सबसे पहली गलती तो उन्होंने यहीं पे कर दी कि पहला जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ पे नहीं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, ओनली टू, क्यों भाई ओनली टू, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो परफेक्टली सही लिखा हुआ है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट ही होती है,
और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। तो बेटा आइडियल गैस की इक्वेशन भी आप सभी बच्चों ने पता है ना, दैट इज कॉल्ड पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आपको सबको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से। आइडियल गैस के लॉ, ये गेल लुसेक लॉ, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, क्लियर है, ये सारे आप लोगों ने देखे ही होंगे। तो मैं बताता हूं एक आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग बताना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जल्दी बताएंगे गाइस फटाफट इस क्वेश्चन को, 2x पे सर अलग ही लेवल पे पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ठीक से देखो सब, चलो जल्दी करो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, फटाफट जल्दी करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से, सही कौन सा, गलत कौन सा, जल्दी करो। चलिए तो बेटा एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये था कि अगर मान लेता हूं यहां पे मेरे पास एक M1 नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां पर हमारे पास एक M2 नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स लगती है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो लगती है बेसिकली जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यही लगता है, नहीं लगता, हाँ सर। और यहाँ पे जी क्या होता है बेटा, जी होता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है मेरा, आर होता है। तो मुझे बताइए मेरी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपको क्या बताना है ना, कौन सा बताना है, करेक्ट बताना है, तो वन तो करेक्ट हो चुका है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये गलती कर दिया यहाँ पे इसने, डायरेक्टली नहीं होता, ये क्या होता है बेटा, इनवर्सली होता है, ये नीचे देखोगे तो इनवर्सली लिखा है, इसलिए ओनली वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, यस। नेक्स्ट, कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट कपल, अरे अरे कैसा कैसा वर्ड आ गया सर, ऐसी ऐसी बात मत किया करो सर, ये तो बड़ा दुखी वाला वर्ड है सर, कोई बात नहीं आराम से। एक कपल, अरे कपल कैसे प्रोड्यूस कर सकता है, तो कैसे करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, प्योर रोटेशन मोशन, एक कपल जो होता है वो प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। अच्छा भैया, एक डिस्क रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, इफ अ चाइल्ड सिट्स ऑन इट देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एक डिस्क है भैया, है ना, झूला की तरह मान लो, इस डिस्क पे इन चाचा को बिठा दिया, एक चाइल्ड पे, एक डिस्क पे एक चाइल्ड को बिठा दिया, ठीक है, और ये डिस्क कंटिन्यूअसली अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो क्या पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ये आपको बताना है, जल्दी करेंगे फटाफट, जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी 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 फटाफट फास्ट, क्या बात, क्या बात, क्या बात, जल्दी करो। तो ये कपल क्या प्रोड्यूस करता है आज आपको पता चलेगा, कोई पूछे कपल क्या प्रोड्यूस करता है तो बोलना चुप रहो, एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है वो हम बताएंगे। तो एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है, कोई भी बोले एक कपल ये प्रोड्यूस करता है बोलो चुप, एक कपल हमेशा रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, मोहित सर ने बताया, और आप जो लोग बात कर रहे हो सब फालतू की बात है, कपल प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन, ठीक। और अगर एक डिस्क पे एक चम्मच को बिठा दिया जाए, ये चम्मच है ना, चम्मच को बिठाया, कटोरी को भी बिठा सकते हो, यहाँ पे चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड में दोनों आते हैं, चम्मच भी आता है कटोरी भी आती है, तो ये चम्मच को अगर अपन यहाँ बिठा दे, कटोरी मतलब ये समझ गए होगे, और चम्मच मतलब ये, तो एक चम्मच को बिठा देते हैं क्योंकि कटोरी इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म जहां तक नहीं करती है, ठीक है, तो आप चम्मच को ही बिठा देते हैं, तो एक चम्मच को जब इस पे बिठाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होना चाहिए, कंजर्वड रहता है, हमेशा एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्वड रहता है। तो यहां पे बेटा दोनों वन इन टू, दोनों इज द, दोनों ही हमारे यहां पे क्या है, करेक्ट, इज इट क्लियर और नॉट, एब्सोल्युटली सर। चलिए नेक्स्ट, तो ये ध्यान रखा करो, चम्मच कटोरी जो है उनका थोड़ा ध्यान रखा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बेटा एक एक पर्टिकुलर सैटेलाइट होती है, आप सबको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो वो अर्थ की हाइट से अप्रोक्सीमेटली कितनी हाइट पर होती है, जल्दी बताएं। ये क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा या ग्रेविटेशन में सुना होगा, जल्दी करिए। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट सरफेस ऑफ द अर्थ से कितनी होती है, जल्दी 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 जल्दी, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट दे रहे हो तुम लोग,
व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट हाइट। अब आप बोलोगे सर एटीसी में ऐसा नहीं आता, एटीसी में दो या तीन क्वेश्चन बेटा फैक्चुअल डेटा बेस्ड आते हैं जो आपको रटे हुए होने चाहिए, कभी किसी की फ्रीक्वेंसी, कभी किसी का कुछ। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है सरफेस से? 42,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 42,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अभी यह मेरे डोमेन का क्वेश्चन आया, नहीं फिजिक्स का मोहित सर का डोमेन का क्वेश्चन आया, अभी 11वीं का फिजिक्स चल रहा था, 12वीं का आया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समटाइम्स फ्लो डज नॉट सेपरेट द सरफेस, फ्लो इन द सर्किट डज नॉट फ्लो। अबे क्या पूछ रहा है बे, समटाइम्स फ्लो नहीं फ्लो ये वो, जल्दी बोलो। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोलो। पहली बात तो एक जब लिख दिया स्टैटिक मतलब हिंदी में होता है स्थिर, तो फ्लो होने की तो बात ही नहीं होती है, तो फ्लो होने वाले सारे स्टेटमेंट को हटा देना लगे। अब आता है डज नॉट सेपरेट द सरफेस, ये डज नॉट फ्लो है ना, डज नॉट सेपरेट द सतह को अलग नहीं करती। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेटा एक बात बताओ, रुका हुआ चार्ज है, और अगर रुका हुआ चार्ज है तो वो सबसे पहले, क्लियर है ना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो रुका हुआ चार्ज यानी कि आपका रुका हुआ चार्ज कभी भी आपका है ना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है, सरफेस से अलग नहीं हो सकता। दैट मींस डज नॉट सेपरेट द सरफेस, दैट मींस डज नॉट सेपरेट द सरफेस। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट डज नॉट सेपरेट द सरफेस। अब मैं यहां पर आप लोगों को कुछ ऑब्लिगेशन दूंगा, आपको सेकंड और फोर्थ में कंफर्म करना है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, सेकंड और फोर्थ में कंफर्म करना है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, ये आपको कंफर्म करना है, सेकंड और फोर्थ में आपको कंफर्म करना है कि कौन सा ज्यादा बेटर है, जल्दी कंफर्म करें, ये आप मुझे कंफर्म करके बताओगे, मैं नहीं करूंगा। बोलिए, तो सबसे पहले तो डज नॉट सेपरेट द चार्ज सरफेस, ये बात भी सही है, ठीक है, वो हमेशा सरफेस पे ही रहता है। डज नॉट फ्लो, ये बात भी सही है, बट यहां पर बात उसने चार्ज की नहीं करी है, स्टैटिक चार्ज की नहीं करी है, यहां बात करी इलेक्ट्रिसिटी की, और जब यहां पे बात इलेक्ट्रिसिटी की करी हुई है तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी या तो फ्लो है या तो नहीं है, और नहीं है फ्लो तो बेस्ट ऑप्शन इज फोर्थ, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ इज ओबेड बाय ऑल, ओम्स लॉ को कौन ऐसा है जो बोलता है कि भाई मेरे अंदर तुम लगाओगे मैं लग जाऊंगा, और बाकी के जो है वो नाटक करते हैं, बोलते हैं चुप बे ओम्स अंकल जी हम तुम में नहीं लगेंगे, तुम हमारे अंदर नहीं अप्लाई हो सकते। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ऐसी चीजें बेटा जिसमें ओम्स लॉ लग ही जाता है, तो वो जो लगने ही वाला है वो कौन है, तो वो ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जो लीनियर होने चाहिए, ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जिनमें वोल्टेज लगाने पर करंट बढ़ने लग जाए, ऐसे डिवाइस होने चाहिए जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ऐसे डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइसेस, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक डिवाइसेस। याद रखना लिक्विड सॉलिड और गैसेस में ये फॉलो नहीं होता है। एक 404 वोल्ट की, ये क्वेश्चन बेटा एटीसी में ऑलरेडी आया हुआ है, पिछले साल चेक कर लेना, एटीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, एटीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। 440 वोल्ट एसी इज चेंज्ड टू 2200 वोल्ट एसी थ्रू अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इफ द करंट इन द प्राइमरी इज 5 एंपियर, करंट इन द सेकेंडरी इज, और सेशन को लाइक करते रहेंगे गाइस, 39 स्टूडेंट्स आर लाइक नाउ, 64 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, बट लाइक इज ऑनली 39। एक बार दिल से लाइक करके अर्धशतक मारो ना, फिर शतक भी मारेंगे, एक बार दिल से ऐसा मारना, देखता हूं कौन अर्धशतक का नंबर किसका होता है, 50th नंबर किसका होता है, जरा देखता हूं, जल्दी जल्दी जल्दी। तो एक 440 वोल्ट का एसी है, उसको हम चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मर की मदद से। तो बेटा ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है। तो बेटा याद रखना इसके इनपुट पर हमने यहां पर दिया है 440 वोल्ट, जब इसके इनपुट पर हमने 440 दिया है तो इसका जो आउटपुट है यहाँ पे 2200 वोल्ट आ जाता है, इसका जो आउटपुट है यहाँ पर वो 2200 वोल्ट आ जाता है, जब इसका आउटपुट पर यहाँ पर 2200 वोल्ट आ जाता है तो याद रखना यहाँ पर एक करंट होता है I1 और यहाँ पर एक करंट होता है I2, ये ट्रांसफॉर्मर की विशेषता है। उसके बाद आपको बोला जाता है, तो याद रखना बेटा कि V1 अपॉन V2 ट्रांसफॉर्मर का इधर साइड का वोल्टेज, जिसको हम V1 वोल्टेज बोलते हैं और इसको हम लोग V2 वोल्टेज बोलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर का V1 अपॉन V2 जो होता है वो हमेशा I2 अपॉन I1 होता है। सर ये तोते की तरह याद कर लेंगे तो ATC का ये वाला सवाल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इसके अलावा कुछ और ट्रांसफॉर्मर में पढ़ना है नहीं। तो यहाँ पे V1 बताइए कितना है बेटा, 440, तो V1 हमारा 440 हो जाएगा, और सेकेंडरी वोल्टेज कितना है हमारा 2200 इक्वल टू सेकेंडरी करंट हमारा कितना है भाई, तो करंट इन द सेकेंडरी करंट हमको निकालना है, और प्राइमरी करंट कितना है हमारा 5 एम्पियर। तो यहां से आप लोग देखोगे जरा, 22 × 22 × 100 ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो 5 × 100 से 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 एम्पियर आनी चाहिए।
तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 एम्पियर इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर और नॉट? यस. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन में इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना चाहिए और हमारा बच्चा करके आ जाएगा वो हमें पता है. चलिए ये क्वेश्चन कर लो भैया. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. तो भैया ये रिंग है और ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अराउंड अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास m है, रेडियस r है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर विल बी. जल्दी बोलो. तो बेटा इसकी एक्सिस के अराउंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अराउंड i दिया हुआ है तो उसकी डायमीटर के अराउंड कितना होगा? अगर i दिया है तो डायमीटर के अराउंड कितना होगा? अगर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा हुआ है तो आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे और अगर आपने रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ा है तो भाई इसको जरूर पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोल रहा हूं. जल्दी करेंगे. जल्दी करो. बेसिक सवाल है यार, रिंग और रॉड का तो पढ़ ही लेना भाई कम से कम. बेसिक सवाल है, जल्दी करो. एक का भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है? हाँ, एक भी आंसर नहीं कर रहे. इसको पढ़ भी लेते हैं तो भी क्वेश्चन करने का मन नहीं करता. क्या बात कर रहे श्वेता, ऐसा भी होता है क्या? मतलब आपने अगर कोई चीज पढ़ ली तो फिर क्वेश्चन करने का मन नहीं करता, ऐसा भी होता है? ऐसा होता है कभी भूख लग रही है और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है? गजब कर रहे हो यार, गजब कर रहे हो तुम लोग. एमओआई सबसे बकवास टॉपिक लगता है तुमको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सबसे बकवास टॉपिक लगता है? पढ़ा दूं एक बार, क्या बोलते हो? अरे पढ़ा दूं एक बार, क्या बोलते हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दूं एक बार सारे शॉर्टकट्स के साथ, क्या बोलते हो? जीवन भर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म. एवरी शॉर्टकट हैव रॉड, रिंग, डिस्क इन ईच एंड एवरीथिंग, एक्सिस, दिस 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 दिस, खत्म. बोलो एक बार. हाँ चलो ठीक है, ठीक है. आने वाली एक वीक के अंदर की क्लास में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्लास होगी, ठीक है? चलो, नहीं मैंने तुम्हारे सामने ओपन कर दिया पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बताता हूं. चल आ जाइए. तो बेटा अगर मान लेते हैं यहां पर, अगर थोड़ी देर के लिए अगर डिस्क के अलोंग है ना, काफी बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, काफी बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो अगर आपको एक रिंग की एक्सिस पे दिया हुआ है तो आपको उसके डायमीटर के अलोंग निकालना है ना, आपको उसके डायमीटर के अलोंग निकालना है. और जब डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है तो डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना हो जाता है? आई बाई टू. तो बेटा रिंग के अंदर एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2 गुना ज्यादा होता है उसकी डायमीटर के अलोंग, है ना? तो डायमीटर के अलोंग 2 गुना ज्यादा होता है, तो डायमीटर के अलोंग एक्सिस के कंपैरेटिवली आधा होता है, ठीक है? तो एक्सिस के कंपैरेटिवली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा होता है किसका? डायमीटर के अलोंग. तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका? आई बाई टू. क्लियर? चलिए नेक्स्ट करवाता हूं, चिंता मत करो. ये आ गया भाई अपने डोमेन का सवाल, द साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ आरएमएस वैल्यू. अभी मत बोलना कोई ये पेपर में नहीं है, है ना? ये नहीं बोल देना कोई पेपर में नहीं है ना. चलो, द साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ जंक्शन डायोड एंड अ कैपेसिटर सी. हियर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अकर्स, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी इज. तो बेटा यहां पे फाइनली वोल्टेज कितना पहुंचेगा इस कैपेसिटर के पास? ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है इस डायोड के द्वारा. क्या हो रहा है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन. जली करो. फाइनल वोल्टेज कितना होगा? जली बोलो. क्या बात है रावण भाई, लव यू यार. चलिए, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सी इज, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सी इज कितना होगा कैपेसिटर के पास? फाइनल पोटेंशियल, जल्दी करेंगे, फाइनल पोटेंशियल बताएंगे कितना होगा. जल्दी बोलो कितना होगा. चलो तो बेटा देखो, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. आप मुझे बताइए इनपुट क्या है. अब आप मुझे बताओ इनपुट क्या है. तो बेटा इनपुट है आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज, ठीक है? इनपुट आपका कितना है बेटा? साइनोसॉइडल वोल्टेज. अब मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, शुरुआत में मान लेता हूं, अच्छा ये इनपुट मेरा ऐसे करके वेरी कर रहा है, देख लो जरा.
है ना, ये इनपुट कभी यहां है, 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 कभी यहां है। क्या शुरुआत में कोई वोल्टेज है कैपेसिटर के पास? नहीं। ये वोल्टेज धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ये वोल्टेज मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो मेरे डायोड के इस तरफ ये वोल्टेज लगा हुआ है, मेरे डायोड को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अगर मेरे डायोड को ऑन कर दिया तो मेरा डायोड किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट की तरह। तो जो कुछ वोल्टेज मेरे कैपेसिटर के पास आएगा, जो कुछ वोल्टेज मेरे कैपेसिटर के पास आएगा, वो मेरे सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हाँ सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैपेसिटर के पास आकर आपको वोल्टेज बनाना हो तो कैसे बनाओगे, यही वोल्टेज बनाओगे या नहीं बनाओगे कैपेसिटर के पास? हाँ सर। अब एक टाइम ऐसा आया कि सप्लाई वोल्टेज जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से, एक टाइम ऐसा आया सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू से कैपेसिटर चार्ज हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो आज आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट जो है वो क्या है, इसकी आरएमएस वैल्यू है, देख लो। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा होती है आरएमएस वैल्यू इंटू रूट टू। कभी भी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है, आरएमएस वैल्यू इंटू रूट टू। तो ये साइन वेव की जो मैक्सिमम वैल्यू आपसे निकल के आ जाएगी वो बेसिकली कितनी निकल के आ जाएगी, 311 वोल्ट। कितनी की निकल के आ जाएगी, 311 वोल्ट। तो अब आप खुद ही सोचो इस सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कभी भी 311 से ज्यादा जा ही नहीं सकती। जब इस सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कभी 311 से जा ही नहीं सकती तो इस कैपेसिटर को भी कभी 311 से ज्यादा पे चार्ज किया ही नहीं जा सकता। तो ये ऑप्शन तो पहले ही हट जाता है। अब इसकी आरएमएस वैल्यू 220 है बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू 311 है, तो क्या ये 220 से चार्ज होगा कभी भी? नहीं भाई। ये इस कैपेसिटर को क्या मतलब, वो एसी है या डीसी है, वो तो ये बोलेगा तुम मुझे जितना मैक्स टू मैक्स दे सकते हो उतना तो मैं चार्ज हो जाऊंगा। तो 220 का भी आंसर होगा नहीं, करेक्ट आंसर कितना होगा, 311। तो याद रखना है कैपेसिटर को जब आप एक सप्लाई वोल्टेज से चार्ज करते हो तो सप्लाई वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू तक कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, एंड दैट वैल्यू इज ऑलवेज 311। इज इट करेक्ट और नॉट? एब्सोल्युटली सर। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली सर। दिस इज वन गुड। अब कोई सोच रहा होगा सर आपने ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं कराया, अरे कल के लिए बचा लिया ना रे, नहीं समझ में आता ना, दिमाग का मूड भी तो वैसा होना चाहिए ना आप लोगों का, एक फेंका फिर दूसरा कुछ अलग आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टेट्स के बाद तुरंत ग्रेविटी आनी चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि नहीं कराया, छुड़ा दिया सर वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर, ऐसा नहीं है, मेले में गए कि वो एक छूट गई चीज लाना, वैसा नहीं, ये अलग चीज है, वो मैं करवाऊंगा, उसकी लोड मत लगाओ। अगर इंडक्टर लगाओ तो, रिया इंडक्टर लगाओगे तो कभी आपसे वोल्टेज की बात नहीं करेगा, इंडक्टर लगाओगे तो हमेशा बात करंट की करेगा, ठीक है, इंडक्टर लगाओगे तो हमेशा बात करंट की करेगा कि मैक्सिमम करंट कितना डिलीवर होगा। तो बोल लो ना मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि Vm डिवाइडेड बाय ओमेगा L, इतना मैक्सिमम करंट होगा। इंडक्टर में एनर्जी एसोसिएटेड होती है मैग्नेटिक फॉर्म में, हाफ एल आई स्क्वायर। तो जब भी इंडक्टर की बात करते हैं करंट की बात करते हैं, और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो जब भी कैपेसिटर में बात करते हैं वोल्टेज के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। चलिए करो भाई इस क्वेश्चन को करो। करो करो इस क्वेश्चन को करो। चलिए जल्दी करेंगे। द गुड एम्पलीफायर इज वन विच हैज डैश इनपुट रेजिस्टेंस एंड डैश आउटपुट रेजिस्टेंस। भाई सीधी सी बात है, आप सभी ने एक चीज तो नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर करता क्या है, एम्पलीफायर करता क्या है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देता है। क्या में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देता है। एम्पलीफायर ज्यादा नहीं बोलता हूं भाई, डांट पड़ती है मेरे को कभी कभी। एम्पलीफायर ज्यादा नहीं बोलता हूं, डांट पड़ती, कभी कभी मेरा पिच बहुत हाई हो जाता है तो आवाज आती है क्या, थोड़ा धीरे कर ले तेरा स्पीकर, ऐसा करके। चलो स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। क्लियरिटी हो गई इस बात की, परफेक्ट क्लियरिटी है सर। चलिए तो ये हो जाता है भाई स्ट्रॉन्ग सिग्नल। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो एक एम्पलीफायर का काम होता है वीक सिग्नल को ये एम्पलीफाई करता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, वीक सिग्नल को काय में कन्वर्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कौन, हमारा एम्पलीफायर। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली सर। अब वीक सिग्नल जो होता है ये लो वैल्यू के करंट्स होते हैं, ये वीक सिग्नल क्या होते हैं, लो वैल्यू के करंट होते हैं, लो करंट वैल्यू क्या होता है, लो करंट वैल्यू का होता है वीक सिग्नल जो होता है वो लो करंट वैल्यू का होता है, और जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है वो हाई करंट वैल्यू का होता है, तभी तो एम्पलीफाई हुआ ना। अब अगर इस तरफ इनपुट है इधर आउटपुट है तो लो करंट साइड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहां पर बेटा रेजिस्टेंस होता है हाई और यहां पर रेजिस्टेंस होता है लो। जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस आप रखोगे इनपुट साइड उतने छोटे से छोटे करंट को एम्पलीफायर ले लेगा।
जितना ज्यादा से ज्यादा करंट रखोगे उतने छोटे से छोटे ले लेगा, और जितना कम से कम रेजिस्टेंस आउटपुट में रखोगे उतना ज्यादा से ज्यादा एम्पलीफाई करके देगा। तो करेक्ट आंसर इज वेरी वेरी हाई एंड हाई लो, द करेक्ट आंसर इज हाई एंड लो। तो जब भी एम्पलीफायर डिजाइन किए जाते हैं याद रखिएगा, जब भी एम्पलीफायर डिजाइन किए जाते हैं तो याद रखिएगा इनके अंदर हमेशा इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, बहुत लो रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट स्टेट्स विद डिस्क्रीट एनर्जीज ऑफ वेव इज बेस्ड ऑन, भाई ये किसने बोला था, डिस्क्रीट स्टेट विद डिस्क्रीट एनर्जीज ऑफ वेव, ये लाइन बोली गई है एग्जैक्ट, डिस्क्रीट स्टेट विद डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ वेव का एग्जिस्टेंस किसने बोला था, पाउली ने बोला था, हाइजेनबर्ग ने बोला था, श्रोडिंजर ने बोला था, ये कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल था, ये क्या था, ये जल्दी बोलो क्या था, ये सभी बच्चों ने पढ़ा यार ये तो, हाँ वेव का एक टॉपिक है भाई, सभी बच्चों ने नाम सुना होगा इसका तो, केमिस्ट्री में कभी, फिजिक्स में कभी, कहीं पे कभी कहीं पर, किसने बोला था, पाउली साहब बोलने आए थे क्या, ये पाउली साहब वेव में नहीं घुसे, पाउली साहब वहीं तक थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, उसके बाद वो नहीं घुसे ज्यादा अंदर कहीं, जल्दी बोलो बोलो। तो पाउली का तो मैंने पहले ही बता दिया कि पाउली साहब ऐसे काम करने नहीं आए थे, ठीक है, पाउली साहब ऐसे काम करने नहीं आए थे, डिस्क्रीट स्टेट विद डिस्क्रीट एनर्जीज। तो मैं आपको बताता हूं, हाइजेनबर्ग साहब ने अनसर्टिनिटी बताई थी पोजिशन और मोमेंटम में, तो ये तो है नहीं, पाउली साहब यहां आए नहीं, अब दो बचते हैं, यही हमारे इंपॉर्टेंट है, एक है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, तो जरा किसी ने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी होगी तो एक बार पढ़ लेना जाकर के, क्या श्रोडिंजर ने ये बोला था क्या, उन्होंने नहीं बोला था, ये था कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल, ये क्या था, कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल था, क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट स्टेट्स विथ डिस्क्रीट एनर्जीज ऑफ वेव, ये जो हमारा था ये हमारा कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल था, श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो तुक्का मारने से पहले है ना एक बार ईश्वर को याद कर लिया करो कि तुक्का सही जगह गलत जगह ना लग जाए, एक बार ईश्वर को याद कर लिया करो तुक्का गलत जगह ना लग जाए, समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, ठीक है, दिस इज द कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल, ठीक है, चलो, मतलब कुछ भी नहीं इनकी बात का, मतलब इतना है किसी वेव के अंदर अगर डिस्क्रीट एनर्जीज हैं तो उस वेव के अंदर डिस्क्रीट स्टेट्स होंगी उन एनर्जी की, बस इतना ही मतलब बोला था इन्होंने, एक हाइपोथेसिस करी हुई थी कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए, एक 20 एम्पियर करंट फ्लो करता है एक स्ट्रेट वायर से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 0.10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, तो भैया यहां पे आपको बताना है ये एक वायर है और इस वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो आपको बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, बायोट सेवर्ट लॉ लगाना है, बायोट सेवर्ट लॉ लगाइए, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाइए, तुमको जो लगाना है लगाओ, यहाँ पे निकालो, बस 10 सेंटीमीटर पे पूछा है, 10 सेंटीमीटर मतलब होता है 0.1 मीटर, जल्दी बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, अगर कोई डायरेक्शन भी पूछेगा तो डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब ये वायर के बारे में बोला जा रहा है, सॉरी 10 एम्पियर नहीं है, 20 एम्पियर है, अब ये वायर के बारे में बोला जा रहा है, ना वायर का कोई सिर है ना कोई पैर है, जा रहे जा रहे, हमें क्या पता है, इनफाइनाइट मान लेते हैं, तो इनफाइनाइट मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, तो हम इसको एक इनफाइनाइट वायर मान लेते हैं, म्यू नॉट सबको पता है क्या होता है, करंट 20 एम्पियर है डिवाइडेड बाय 2π r, तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷, करंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो करंट हमारा कितना देके रखा है हमको 20, करंट हमारा कितना देके रखा है हमको 20 डिवाइडेड बाय, अगर मैं करने जाऊंगा तो 2πr हो जाएगा, तो 2π अगर r हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी देके रखी है 0.1 मीटर, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 0.1 मीटर के हिसाब से 2π से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसका ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻⁵, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 × 10⁻⁵ इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, इज इट क्लियर और नॉट, एब्सोल्युटली। सिमिलर क्वेश्चन एटीसी में पहले भी पूछा गया है, बट उसके अंदर ये वायर इनफाइनाइट ना लेकर के फाइनाइट लिया जाता है, सिमिलर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को आपके सामने आप इंट्रोड्यूस किया। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स, ये वाला मैं सोच रहा हूं इस बार एटीसी में आ जाए, ऐसा मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, जब मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया ना मुझे लगा एटीसी में ये क्वेश्चन आना चाहिए, है ना, तो एक बार स्टार मार्क करके रख लेना यार, मेरा दिल बोलता है जब बोलता है तो ऐसा हो जाता है यार, तो एक बार स्टार मार्क करके रख लेना भाई, है ना, हमेशा होता है तो इस बार स्टार मार्क करके रख लेना इस क्वेश्चन को। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू द सेल, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल शैल बी रिलेटेड एस,
जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी करो। जल्दी करो। गुड। चलिए तो सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन काय का है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द बैटरीज। तो हमारे पास बहुत सारी बैटरीज हैं, एन सेल्स हैं। अब इन एन सेल्स को मैं सीरीज में जोड़ना चालू करता हूं। जब मैं इन एन सेल्स को सीरीज में जोड़ना चालू करता हूं तो कुछ इस तरीके से ये जुड़ते हैं। इस तरीके से बेटा हमारे ये एन सेल्स सीरीज में जुड़ते हैं, इस तरीके से ये हमारे एन सेल्स सीरीज में जुड़ते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो इस सेल का अपना खुद का एक पोटेंशियल होता है। लेट सपोज इसका पोटेंशियल है V1, इसका रेजिस्टेंस है कितना R, ये पोटेंशियल भी हमारा V है, इसका रेजिस्टेंस है R, ये पोटेंशियल भी V है, इसका रेजिस्टेंस है R, ये पोटेंशियल भी V है, इसका रेजिस्टेंस है R। अब आपसे अगर बोला जाए इस पूरे कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो यहां से अगर आप बात करोगे बेटा टोटल रेजिस्टेंस की, तो यहां से टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R कंटिन्यू टिल एंड टाइम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा बेटा, N इंटू R, यही टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो ये 1 ओम है, 1 ओम है, ऐसे करके N लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, N टाइम्स। तो RT इक्वल्स टू NR निकल के आ जाएगा। तो आपको बोला सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N सेल्स इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल शैल बी रिलेटेड एज। तो द करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहां पे, जल्दी बोलो। तो बेटा R की वैल्यू किसी भी सिचुएशन में एन आर के बराबर होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो उससे कम नहीं होनी चाहिए तो बेटा आर कभी आर के बराबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। आर की वैल्यू कभी इससे कम नहीं होनी चाहिए, आर की वैल्यू कभी आर बाय एन नहीं होनी चाहिए। तो या तो बराबर हो या तो उससे ज्यादा हो, उससे कभी कम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उससे या तो ज्यादा हो या तो उसके बराबर हो, उससे कभी कम नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना सीरीज कनेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, If the number of turns per unit length of a solenoid is doubled, its self inductance will be. जल्दी करो। तो solenoid का self inductance का formula आपको पता होना चाहिए। जल्दी करो। जल्दी करो। Solenoid क्या होता है? सारे बच्चों को पता होना चाहिए solenoid के बारे में। मोल सर ने पढ़ाया हुआ है। What do you mean by solenoid? Solenoid is nothing but that is this. This is nothing but that is this. This is called solenoid. अब सोलोनॉइड में होता क्या है चाचा? तो सोलोनॉइड में एक तो करंट फ्लो होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। उसके बाद सोलोनॉइड में क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हाँ या ना। हाँ सर। उसके बाद क्या बनती है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, हाँ या ना। हाँ सर। तो यहाँ सर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई सोलोनॉइड में। अब आपको बताना है सोलोनॉइड में जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो सोलोनॉइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ सोलोनॉइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। बट इसने तो कुछ और ही चीज पूछ ली है, इसने बोला नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि n बाय l क्या होगा। इसने बोला n बाय l को डबल कर दिया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा। तो बेटा n स्क्वायर a बाय l में एक काम करो, n बाय l को अलग कर लो, बाकी को n को अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, बाकी के n को अलग कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देखोगे जरा, तो यहां पर लेट सपोज मैं ऐसा कर लेता हूं म्यू नॉट म्यू आर एन बाय एल, इसको मैं अलग ही कर लेता हूं, ठीक है, एन इंटू ए, है ना। अब यहां पर उसने बोला है कि भाई हमने यहां पर एन बाय एल को डबल कर दिया, तो इसको अगर हम डबल करेंगे तो हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। हमारा इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा, बिकम फोर टाइम्स हो जाएगा। जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट क्या होना चाहिए। यह सत्यम कम हो ही नहीं सकता बेटा, सत्यम पिछले क्वेश्चन में कम हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली अगर 100 रजिस्टर को सीरीज में लगाएगा तो टोटल हमेशा कभी कम हो ही नहीं सकता 100 से। अगर सारे एक एक ओम के हैं तो कम तो हो नहीं सकता, वर्स्ट केस में बराबर हो सकता है, कम कभी नहीं हो सकता। जल्दी करो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बोलो, इसको डबल करोगे तो क्या होगा, बोलो जल्दी क्या होगा। हाँ
गुड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डबल मत लगा देना, करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर टाइम्स। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर एक एन भी है साथ में जो उसी का एक पार्ट है, और उस एन की वजह से अगर इसको डबल मारोगे तो ये भी एक तरीके से डबल होगा, और जब ये डबल होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये आपका डबल हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये आपका फोर टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला होता है उसके द्वारा भी मैं आपको करवा सकता हूँ म्यू नॉट एन आई वाला, लेकिन उससे कोई लेना देना भी है नहीं, ठीक है, चलो इसी के थ्रू देख लो ज्यादा बेटर। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, 100 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, जल्दी करेंगे कितनी होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करना है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है तो आप सभी को पता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी, यही होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ सर। अब एक इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट करना है तो इलेक्ट्रॉन का मास पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, वेलोसिटी नहीं पता, तो आपको बताना इस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो वोल्टेज के टर्म्स में एक फॉर्मूला और होता है, जल्दी बताओ क्या होगा, वोल्टेज के टर्म्स में एक फॉर्मूला और होता है, जल्दी बोलो क्या होगा, श्वेता बताइए आंसर, वोल्टेज के टर्म्स में एक फॉर्मूला और क्या होता है, वोल्टेज के टर्म्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला, जल्दी बताओ क्या होता है श्वेता, एस डब्ल्यू ई टी ए वाली, जल्दी बोलो, 150 रुपए देंगे हैं, तुम जितने मांगोगे उतने दूंगा, यकीन मानो, जितने तुम मांगोगे उतने दूंगा, मैं खुद अपने हाथ से दूंगा, तुम बोलोगे उसको एक बैग में रख के दो, यकीन मानो बैग में रख के दूंगा, तुम बोलोगे एक पन्नी में रख के दो, यकीन मानो एक पॉलिथिन में रख के दूंगा, तुम सब मिलके जितना बोलोगे उतना दूंगा, सब कॉन्ट्री करना, सबका पैसा बैग में रख के मैं खुद दूंगा तुमको, जल्दी बोलो क्या होगा फॉर्मूला, गुड 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 अंकुश, गुड गुड, 12.27 बाय रूट वी इन एंगस्ट्रॉम, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला वोल्टेज के टर्म्स में याद करवा देता हूं, ये आपने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था, 12.2 वी डिवाइडेड बाय रूट वी, बट ये फॉर्मूला होता है एंगस्ट्रॉम में, आपने कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था सर रूट का फंक्शन कहाँ आता है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर आता है, ये याद रख लीजिएगा 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ओके सर। अब यहां पर आपसे सवाल जो है वो नैनोमीटर में पूछा है, एंगस्ट्रॉम में नहीं, तो जब नैनोमीटर में पूछा है एंगस्ट्रॉम में नहीं तो क्या करना पड़ेगा, तो 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी, रूट वी कितना है, रूट 100, यानी कि ये हो जाएगा दिस एंड 100 इन एंगस्ट्रॉम, तो बेटा 100 एंगस्ट्रॉम में ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 12.27 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो कितना जाएगा, 12.27 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.22, कितना आ जाएगा 1.22, 1.22 आ जाएगा, 1.22 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 1.22 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, बट आपसे क्या एंगस्ट्रॉम में पूछा है, नहीं, तो आपसे पूछा हुआ है किसमें, नैनो में, एंगस्ट्रॉम को नैनो में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 0.123 नैनो, अरे ये कहां चला गया, 0.123 नैनोमीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 into 10 to, sorry, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 into 10 to the power of -10 मीटर, द करेक्ट आंसर इज 0.123, द करेक्ट आंसर इज 0.123, क्लियर, ये हो जाता है। अब अगर मान लो किसी बच्चे को दूसरे फॉर्म में करना है तो वो 12400 डिवाइड बाय वी के फॉर्म में भी कर सकता है, ये भी याद रख सकते हो, वो भी याद रख सकते हो, दोनों फॉर्मूले आप ही के हाथ में, जिसको याद रखना उसको कर ले, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अल्टरनेट करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमिटर बिकॉज, एक एसी करंट को डीसी एमिटर से मेजर क्यों नहीं कर सकते, तो अब आपको ये मत बोल देना क्योंकि डीसी डीसी को मेजर करता है तो एसी को कैसे कर सकता है, अरे क्यों नहीं कर सकता, ये पूछा है। डीसी एमिटर गेट डैमेज्ड, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, एसी कैन नॉट पास थ्रू डीसी एमिटर, या एसी चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली, एकदम पंच लाइन वाला क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे, पंच लाइन वाला, सर ऑप्टिक्स वाली वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या डिफरेंस है, ये पूछा, एकदम बताता हूं, रुको बताऊंगा इसको, बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए जल्दी करेंगे। तो बेटा एक अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमिटर, उसके पीछे का कारण है, जरा सुनना, कोई भी वैल्यू जो डीसी वैल्यू होती है, डीसी वैल्यू चाहे करंट हो, एमिटर हो, वोल्टमीटर हो, डजंट मैटर, डीसी वैल्यू जो होती है, और इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इंस्ट्रूमेंट बनी कि जो इसको नाप रहा है, हमेशा नापता है क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू को, किसकी वैल्यू को नापता है, एवरेज वैल्यू को नापता है। दुनिया की कोई भी वेव फॉर्म करंट, वोल्टेज, साउंड, आप अगर उसका एवरेज निकाल रहे हो, है ना, या करंट और वोल्टेज की बात कर लेता हूं, तो करंट और वोल्टेज की कोई भी वेव फॉर्म,
चाहे बेटा कोई भी वेवफॉर्म हो, उसकी एवरेज वैल्यू ही उस इंस्ट्रूमेंट को, उस एवरेज वैल्यू को ही उसकी डीसी वैल्यू बोला जाता है जो इंस्ट्रूमेंट नापता है। लेकिन अगर आप यहां पर एक अल्टरनेटिंग वेव प्रोवाइड करते हो तो एक अल्टरनेटिंग वेव के साथ दिक्कत ये होती है कि इसका जितना पॉजिटिव हाफ है उतना नेगेटिव हाफ है, और जितना पॉजिटिव हाफ है उतना नेगेटिव हाफ है, यानी कि जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे है, यानी कि इसका ओवरऑल एरिया क्या है, जीरो। और जब इसका ओवरऑल एरिया जीरो निकल के आता है तो इसको बोलते हैं क्या, कि जो इसकी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू जो है इसकी वो बेसिकली क्या निकल के आती है, जीरो। और जब एवरेज वैल्यू किसी की जीरो है तो इंस्ट्रूमेंट में जब डालोगे तो इंस्ट्रूमेंट कुछ रीड ही नहीं कर पाएगा। तो एक अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक पर्टिकुलर कंप्लीट साइकिल के लिए उसकी एवरेज वैल्यू जीरो होती है, इस वजह से इंस्ट्रूमेंट कुछ भी मेजर नहीं करता, इसलिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। बट इसका मतलब ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट कुछ मेजर नहीं करता, इंस्ट्रूमेंट जीरो शो करता है। क्या शो करता है? जीरो शो करता है। ऐसा नहीं कि डैमेज वगैरह हो जाएगा, ये सब चीजें नहीं होंगी। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आर इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द मीन डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला बता देना भाई मेरे को कोई। मीन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलेंगे, प्लैनेट की रेडियस भी दी हुई है, मीन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो। फॉर्मूला जिसको याद होगा वो कर लेगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा वो नहीं करेगा। ग्रेविटेशन ढंग से देखा होगा तो कर लोगे, ग्रेविटेशन ढंग से नहीं देखा होगा तो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं। क्या होता है मीन डेंसिटी का फॉर्मूला? कुछ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, राहुल जी का आंसर आया है बी। राहुल एक बार चेक करो, एक बार और चेक करो लगाने के पहले, 3g/4πgr या 3gg/4πr, दोनों में से चेक करो मीन डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा। किसी प्लैनेट की मीन डेंसिटी कितनी होती है, किसी प्लैनेट की मीन डेंसिटी कितनी होती है, किसी प्लैनेट की मीन डेंसिटी कितनी होती है, जल्दी चेक करो। गुड 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 गुड, जल्दी करो। तो एनी है ना, तो एक रेडियस है प्लैनेट का जी, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मीन डेंसिटी इज 3g/4πgr, दिस इज द मीन डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। तो जस्ट लर्न दिस गाइस, दिस इज 3g/4πgr, डेराइव करके ये निकल के आता है तो उसको लर्न कर लेना, ठीक है? डेराइव करके ये निकल के आता है तो उसको लर्न कर लेना, दिस इज द मीन डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। यस, एक स्टैंडिंग वेव्स कहां से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, एक स्टैंडिंग वेव्स कहां से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ऑन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड, दोनों क्लैंप, एक स्ट्रिंग जो धागा है उसको दोनों तरफ से क्लैंपिंग करके रख देंगे तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑन द स्ट्रिंग ऑफ अ सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर वायर के द्वारा स्ट्रिंग नहीं होगी। व्हेन इंसिडेंट वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल, जब एक इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट कर जाए वॉल से, या व्हेन टू आइडेंटिकल वेव विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो कब स्टैंडिंग वेव्स हमारी प्रोड्यूस नहीं होंगी, ये आपसे पूछा है। तो एक स्टैंडिंग वेव्स कब प्रोड्यूस नहीं होंगी ये आपसे पूछा, जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी 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 जल्दी। एक स्टैंडिंग वेव कब प्रोड्यूस नहीं होती? जब नहीं होती तो बेटा उसकी वजह से कोई दूसरी वेव प्रोड्यूस होती होगी, तो समझ जाना। अगर आपने इन चारों में से कोई ऐसा एग्जांपल पढ़ा हुआ है जिससे कोई वेव प्रोड्यूस होती है तो समझना वही आंसर होगा। जल्दी करो, यही दिमाग लगाना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है? गुड 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 गुड। चलिए, तो एक स्टैंडिंग वेव के बारे में याद रखना, एक स्ट्रिंग क्लैंप कर दो, दोनों एंड से स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी ही होगी। कभी इंसिडेंट वेव गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल है ना, तो भी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। दो आइडेंटिकल वेव विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो भी होगी, मतलब ऐसे सेम डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं तो भी स्टैंडिंग वेव आती है। लेकिन एक सोनोमीटर वायर कभी स्ट्रिंग का, एक अगर सोनोमीटर वायर है ना, उसकी स्ट्रिंग कभी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं करती, ध्यान रखें। बहुत प्यारा सवाल है। बॉडी हैज अ चार्ज ऑफ -3.2 माइक्रो कूलम्ब, इफ इट हैज अ 2×10^13 प्रोटॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी इज, चलिए बताइए। एक बॉडी का टोटल चार्ज -3.2 माइक्रो कूलम्ब, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना, जल्दी कैलकुलेट करो। बहुत ही प्यारा सवाल है गाइस, और एक बार दिल से यार सेशन को लाइक करके 75 तक ले जाना यार, यकीन मानो आग लग जानी चाहिए 75 पे जाके। देखते हैं वो कौन 75वां है और फिर देखेंगे कौन वो 100वां भी आएगा। जल्दी एक बार जिन्होंने लाइक नहीं किया दिल से लाइक मार देना यार, बहुत बढ़िया। अनलाइक कौन मारा रे, 67 से 66 कैसे हुआ? चल आ जाओ
बॉडी हैज अ चेंज ऑफ माइनस 3 माइक्रोकूलम्ब इफ इट हैज अ 2 इनटू 10 टू द पावर 13 प्रोटॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. आज आप लोगों को थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही होगी, ठीक है, सुबह से 11 बजे से खड़ा हूं, लेकिन आई कैन कोप अप इट यार, मैं कोप अप करता हूं, है ना, मैं कोप अप करता हूं, ठीक है, चलिए जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी. चलो, एक बॉडी के अंदर बेटा इतना कूलम का माइक्रो कूलम का चार्ज, उसमें इतने प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉडी. तो याद रखना बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द बॉडी इस मान लो p है, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है ना, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आपको भी पता है 1.6 into 10 to the power of minus 19. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन p है और उन पर इतना चार्ज है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं कितने हैं, n है, और उनके ऊपर चार्ज है माइनस 1.6 into 10 to the power of minus 19. तो एक पूरी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो पूरी बॉडी के अंदर इतना चार्ज अवेलेबल है. अगर एक पूरी बॉडी की बात करूं तो पूरी बॉडी पर इतना चार्ज अवेलेबल है. ये हमारा टोटल चार्ज अवेलेबल है एक पूरी बॉडी के ऊपर. ये हमारा टोटल चार्ज अवेलेबल है एक पूरी बॉडी के ऊपर. अब इसमें से ये वाले पोर्शन को मैं जब निकाल देता हूं बाहर, तो ये मुझे मिलता है 1.6 into 10 to the power of minus 19, और अंदर मुझे मिलता है पी माइनस एन, और बाहर इक्वल टू है हमारा टोटल चार्ज. बाहर है हमारा टोटल चार्ज. तो ये हमने बाहर कर लिया. अब प्रोटोन माइनस न्यूट्रॉन, ठीक है, तो टोटल चार्ज निकाल देते हैं कितना निकल के आएगा. तो प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 1.6 इनटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 19. तो बेटा चार्ज कितना है, माइनस 3.2 कूलम. एक चीज तो यहीं से समझ में आ चुकी है, अगर चार्ज नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से. आज प्रोटॉन कितने दिए, 2 × 10⁻³. तो 2 × 10⁻³ दिया है. तो अगर आपके पास इंटेलिजेंस होती थोड़ी बहुत भी, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी इंटेलिजेंस होती, तो आप एक चीज तो तय कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना, 10³ को भाड़ में जाना, तो चारों में 10³ है, तो प्रोटॉन अगर इतने दिए हैं तो इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा ही होंगे, तभी इतना चार्ज आएगा, तभी चार्ज ओवरऑल नेगेटिव होगा. तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए. इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा होने चाहिए, प्रोटॉन से. तो प्रोटॉन से ज्यादा होने चाहिए यानी कि क्या होना चाहिए, तो प्रोटॉन से ज्यादा होने चाहिए 3, 5 या 4, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है भाई, है ना. बट यहाँ पे लिखा है 3.2 माइक्रो कूलम. अब ये आपको दिमाग लगाना है, ठीक है भाई, चलो चलते हैं, दिमाग लगाते हैं. चलिए, तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो चार्ज अपना पता है अपने को, ये पता है अपने को, तो अपना चार्ज कितना है, माइनस 3.2. तो ये तो हो जाएगा कितना, 3.2 × 10⁻⁶, माइनस साइन बाहर लगा दो, डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹, 1.6 × 10⁻⁹, और ये कितना निकल के आ जाएगा, प्रोटॉन, है ना, इसको उधर लेके चले जाओ, इलेक्ट्रॉन इधर लेके आ जाओ, है ना, इसको उधर लेके चलो, इलेक्ट्रॉन इधर लेके चले जाओ, तो इसको उधर लेके चले जाओ, और इधर प्रोटॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके बराबर. तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल के आएंगे प्रोटॉन बाय दिस, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल के आएंगे, ठीक है. चलिए, क्लियर है, चलो तो चेक कर लेना कितने आते हैं भाई. अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यूज की जाती है YDSA एक्सपेरिमेंट में. इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज देन द फ्रिंज विड्थ विल बी. अगर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं. एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं. अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज किया जाता है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज की जा रही है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, जल्दी बताएंगे. फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, जल्दी बताएंगे. अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर एक स्पीड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा. तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो आप सभी को पता होना चाहिए उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी. अगर उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, तो स्पीड ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ये आपको सोचना है. स्पीड ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, है ना, तो याद रखना फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी. जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो. द करेक्ट आंसर इज बाय डिफॉल्ट डिक्रीज. क्यों, क्योंकि बेटा याद रखना स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अगर स्पीड बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम हो गई, एक बार स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, और वेवलेंथ कम हो जाएगी तो जो हमारी फ्रिंज की विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है. तो अगर हमारा लैम्डा कम हो जाएगा तो हमारी फ्रिंज की विड्थ भी कम हो जाएगी, तो हमारी फ्रिंज की विड्थ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिक्रीज. तो फ्रिंज विड्थ हमारी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्लियर है, चलिए. A cube has a side of 1.1 × 10⁻². ये एक मैंने जनरल क्वेश्चन डाल दिया है यहाँ पर, आप लोग कर सकते हो, है ना. एक क्यूब है,
इस क्यूब के बारे में बोला जा रहा है कि इस क्यूब की जो लेंथ है वो 1.1 × 10⁻², इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए बेटा, एक क्यूब है, तीनों साइड्स बराबर बराबर ही होंगी, है ना। तो अगर ये क्यूब के अंदर एल है तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्यूब के अंदर क्या है, एल ही है। और अगर ये भी क्यूब के अंदर एल है तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्यूब के अंदर क्या है, एल है। और ये सारी लेंथ अगर हाइट विड्थ और ये है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए क्यूब का, एल क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, एल क्यूब। तो इसका क्यूब करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, है ना, आप लोग निकाल सकते हो 10⁻⁶, तो -6 तो आएगा ही आएगा। और 1.1 × 1.1 × 1.1 कितना हो जाएगा, 1.1 × 1.1 × 1.1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.331। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.331 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो 1.331 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब इज द परफेक्ट आंसर। गुड इवनिंग विशाल, चलिए क्या बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस पर नहीं, इसको अभी लीव करते हैं, इसको नेक्स्ट पे लेके आऊंगा। इन हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, मेंस फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रिपल वुड बी। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी कितना पूछ होता है ये बताना है, जल्दी करेंगे। एक हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है ये आपको बताना है। कुल मिलाकर रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो वो भी बता देता हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर सबने नाम सुना है, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को रिपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को रिपल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जल्दी करेंगे। जल्दी बोलेंगे, गुड। तो बेटा याद रखना, एक पर्टिकुलर हमारा ये इनपुट है, एक पर्टिकुलर हमारा ये इनपुट है। अगर आप लोग देखोगे तो ये इनपुट वेव है, ये हमारी इनपुट वेव है। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली सर। तो ये हमारी इनपुट वेव हो गई, जब ये हमारी इनपुट वेव हो गई तो इस इनपुट वेव को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, कहां पर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। और जब एक इनपुट वेव को हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर में पुट किया है तो जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो बेसिकली क्या निकल के आता है, तो हमारा जो आउटपुट निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार का निकल के आता है। हमारा जो आउटपुट निकल के आता है वो ऐसा निकल के आता है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको देखनी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी लेट सपोज 50 हर्ट्ज़ है। इसकी फ्रीक्वेंसी लेट सपोज कितनी है, 50 हर्ट्ज़। ये हमारा इसका फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड है। तो बेटा यहाँ पे एक साइकिल कहाँ कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे भी तो एक साइकिल यहाँ नहीं कंप्लीट होती, यहाँ होती है। एक साइकिल का मतलब ही यही होता है, एक साइकिल का मतलब ही यही होता है कि वापस से वो अपने आप को वैसा कहां से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो क्या बेटा यहां से उसने अपने आप को रिपीट किया, नहीं, वो रिपीट कर रहा है यहां से। तो एक साइकिल कहां से कहां निकल के आ जाती है, तो एक साइकिल जो होती है वो यहां से अगर स्टार्ट हो रही है तो उसकी जो रिपीटेशन है वो यहां से स्टार्ट होगा। अगर उसका रिपीटेशन यहां से स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी के बराबर होगी जो सेम है। तो ये याद रखना, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रिपल 50 हर्ट्ज होगी। लेकिन अगर ये मान लो एक फुल वेव रेक्टिफायर होता, अगर मान लीजिए ये एक फुल वेव रेक्टिफायर होता, फुल वेव रेक्टिफायर, अगर ये मान लेता हूं एक फुल वेव रेक्टिफायर होता, तो एक फुल वेव रेक्टिफायर के केस में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या गड़बड़ हो जाता है बताता हूं। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट देखने को हमको मिलता है, हमारा आउटपुट जो हमको देखने को मिलता है वो ऐसा देखने को मिलता है, सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। तो जब ऐसा देखने को मिलता है, तो मान लेता हूं आज ये हमारा इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड है, मान लेता हूं आज ये हमारा इस वेवफॉर्म का टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। तो यहां जो फ्रीक्वेंसी हमारी वो 50 हर्ट्ज़ है, और जब ये इस वेवफॉर्म पीरियड का टाइम पीरियड है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी, 50 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कहाँ है, अपने आप को वापस वैसा ही रिपीट करना है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है हमारा वो कितना है, टी। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, तो वहां से कंपैरेटिवली टाइम आधा हो गया। जब यहाँ टाइम आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 100 हर्ट्ज़। तो याद रखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी 50 ही होती है, और एक फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर कितनी हो जाती है, 100 हर्ट्ज़। आपसे किसका पूछा था, हाफ वेव रेक्टिफायर का। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बोलेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बोलेंगे। इनवर्स रिलेशन, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बोलेंगे। सेशन को लाइक मारेंगे, जल्दी से, तेजी से, फटाफट। कैसे लगे भाई आज के क्वेश्चन, ये बताओ यार, कैसे लगे तुमको आज के क्वेश्चन, एक बार दिल से बताना यार, एकदम। कितनी चीजें नई सीखी तुमने, ये बताना एकदम। देखो सीधी सी बात है, ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, ये अंतिम तक जो लगा रहेगा ना, वो आके एक ही चीज बोलेगा, सर एटीसी निकल गया सर। और जो बीच में से ड्रॉप मारेगा ना, वो खुद की गलती नहीं मानेगा, वो किसकी गलती मानेगा, अरे पेपर ही ऐसा आया था, रुट रुट, एटीसी ऐसा ही होता है, नहीं हम इसकी तैयारी करेंगे, नहीं पापा हम सीजीएल की तैयारी करेंगे, सीजीएल में 35,000 वैकेंसी आया। अच्छा भाई सीजीएल की तैयारी,
पापा बोले आपकी बैंक की करेंगे, बैंक की। अरे अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो, नहीं तो फिर कोई सी भी तैयारी कर लो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? नहीं निलोत पाई भाई, कल अब आपको एन लेमडा वाले में दिक्कत हुई ना, आता हूं अभी एन लेमडा वाले के ऊपर। ए जेई वाली क्लास कल होगी दिन में 1 बजे से 3 बजे तक, ए जेई वाली क्लास कल दिन में 1 से 3। चलो आता हूं आप लोगों के पास एन लेमडा वाले क्वेश्चन के ऊपर, एन लेमडा वाले क्वेश्चन पर आता हूं, ठीक है, एन लेमडा वाले क्वेश्चन पर मैं आता हूं। चलो डोंट वरी, चलिए। इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर दिस, इफ द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 50, द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज, जल्दी करें पावर गेन क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी करो। पावर गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। जल्दी करें, जल्दी चलिए। क्या होगा? इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आउटपुट रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है कॉमन एमिटर में। इफ द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, करंट गेन 100 दिया हुआ है। करंट गेन क्या होता है कॉमन एमिटर का? तो कॉमन एमिटर का करंट गेन क्या होता है सबसे पहले तो ये देख लो। तो कॉमन एमिटर का जो करंट गेन देखने जाओगे, कॉमन एमिटर का जब करंट गेन देखने जाओगे तो इधर होता है कलेक्टर करंट और इधर होता है बेस करंट। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? हाँ सर। तो IC अपॉन IB की वैल्यू कितनी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट कितना दिया हुआ है 100, उसको क्या बोलते हैं बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा बोलते हैं। तो करंट गेन तो निकल के आ चुका है, करंट गेन तो निकल के आ चुका है, ये करंट गेन है। अब आपको बोला था पावर गेन क्या होगी, तो पावर गेन जो होता है वो बेसिकली हमारा होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन हमको कैलकुलेट करना है, करंट गेन तो आ चुका है, तो करंट गेन अगर हमारा 100 है, ठीक है, वोल्टेज गेन हमको कैलकुलेट करना है। तो बेटा याद रखना वोल्टेज गेन कैलकुलेट करना है आपको, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस की मदद से। कैसे करेंगे सर रेजिस्टेंस की मदद से कैलकुलेशन? देख लो जरा, अपने आप हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लो। अगर किसी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट बेस करंट से क्या होता है ज्यादा होता है, तो कलेक्टर करंट बेस करंट से क्या होता है बाय डिफॉल्ट ज्यादा होता है। तो बेटा अगर एक ट्रांजिस्टर के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस 400 है और आउटपुट रेजिस्टेंस इतना है, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 4 किलो ओम, है ना, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 4 किलो ओम, तो जल्दी बताओ कितना निकल के आना चाहिए, जल्दी बताओ कितना निकल के आना चाहिए, बोलो। हाँ जल्दी बोलो कितना निकल के आना चाहिए। हाँ तो भैया हमारा आंसर आया है अंकुश का। अंकुश क्या टॉपिक क्या लगाया बेटा, 10 की पावर 5 कैसे आया? अंकुश ने बोला 10 की पावर 5 आएगा सर। कैसे आया अंकुश 10 की पावर 5 तेरा, जल्दी बोल 10 की पावर 5 कैसे निकाला, बोल। वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन तुझे करना, वोल्टेज गेन तुझे कहां पता है, जल्दी बोल कैसे करेंगे कैलकुलेट, जल्दी बोल कैसे करा 10 की पावर 5 कैसे कैलकुलेट करा, जल्दी बोल। जल्दी बोल, अरे मैं तुम्ही लोगों से निकलवाना चाहता हूं। मोहिनी आंसर बताइए कैसे आया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 कैसे आया,
बोलो मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस गेन, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस गेन। चलो तो यहां पे एक दीपक जी ने आंसर सही दिया हुआ है ना। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर पावर गेन कैलकुलेट करना हो, पावर गेन आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो गो फॉर करंट गेन, दैट इज कॉल्ड करंट गेन, यानी कि बीटा। ये सिर्फ कॉमन एमिटर के लिए, ठीक है, दैट इज बीटा स्क्वायर, दैट इज आर नॉट बाय आर आई, दैट इज आर नॉट यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ हो जाता है, इंजीनियरिंग डोमेन में चला जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पे चला जाता है ना, है ना, बहुत ज्यादा फिजिक्स 12वीं की फिजिक्स में नहीं आता है, लेकिन फिर भी चलो याद कर लेना ताकि याद रहे, ठीक है। तो बीटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, दैट इज 100 का स्क्वायर, और आर नॉट बाय आर आई आपको पता होना चाहिए, दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय 400। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 टू द पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। गो फॉर दिस, 10 टू द पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 टू द पावर 5। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर इफ 90% ऑफ द होल्स एमिटेड रीच द कलेक्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर करंट विल बी, एमिटर करंट कितना होगा, क्या बोला जा रहा है? एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये तो बेटा मैंने पढ़ाया है आप लोगों को क्लास के अंदर ही, है ना, क्लास में पढ़ाया था, याद आ रहा है? हाँ सर। तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है बेटा, पीएनपी, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि उसके जो होल्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंच जाए, उसके जो होल्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंच जाए। तो यहाँ जो बैठे हुए होल्स हैं वो कलेक्टर तक पहुंच जाए। कलेक्टर का काम होता है होल्स को कलेक्ट करना, इमीटर का काम होता है होल्स को इमिट करना। तो वो बोलता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर का है, 90% होल्स जो होते हैं एमिट रीच द कलेक्टर, यहाँ के बैठे हुए 90% होल्स जो है वो यहाँ पहुंच जाते हैं, बट 10% नहीं पहुंच पाते। तो इमिटर करंट कितना होगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, इमिटर करंट कितना होना चाहिए, जल्दी बोलेंगे, इमिटर करंट कितना होना चाहिए, कलेक्टर करंट 10 मिली एम्पियर है तो इमिटर करंट कितना होना चाहिए, जल्दी बोलो। इससे घटिया क्वेश्चन मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा, जल्दी सभी लोग कर देंगे, बहुत बढ़िया, सभी लोग कर देंगे। तो आज से याद रखना बेटा, एक ट्रांजिस्टर के अंदर एनपीएन हो या पीएनपी, इमिटर करंट जो होता है हमेशा हमारा वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है। इमिटर करंट जो होता है हमारा वो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के बराबर होता है, और अगर इमिटर करंट हमारा कलेक्टर और बेस करंट के बराबर होता है तो हमारा कलेक्टर करंट जो है वो आज अगर 10 मिली एम्पियर है तो बेटा जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो बेस करंट मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा, तो उसने पहले ही बता दिया कि बेटा यहाँ पे जो होल्स हैं उन होल्स का 90% कलेक्टर में पहुंच गए। तो जब होल्स का 90% कलेक्टर में पहुंच गए, उन्होंने बनाया कौन सा करंट, कलेक्टर करंट, कितना, 10 मिली एम्पियर। 10% बच गए, वो 10% कहां जाएंगे, तो वो 10% बेस करंट बनाएंगे या कुछ और करने का काम करेंगे। तो ओवरऑल इसको पूरे को एड जब करोगे तो एमिटर करंट मिलेगा, तो एमिटर करंट तो हमेशा 10 मिली एम्पियर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और जब 10 मिली एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए तो कभी कम नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज 11.1 मिली एम्पियर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11.1 मिली एम्पियर इज ऑलवेज करेक्ट आंसर। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, एमिटर करंट इज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट एंड ऑलवेज कलेक्टर करंट इज ग्रेटर देन बेस करंट, ठीक है? अरे समझ रहे हो इस लेवल पे, समझ रहे हो इस लेवल पे, लाइक मार देना यार, जल्दी। यस रिया, ये ऑप्शन से ही होगा, कोई इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता, है ना, यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन ही ओनली। चलिए, इन अ जंक्शन डायोड द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू डेक्स एक्स इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन। चलो बहुत बढ़िया भैया, जंक्शन में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पूछा है। एक पीएन जंक्शन डायोड जो होता है बेटा, उसके जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर बनती है, और जब उसके जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर बनती है तो डिप्लीशन लेयर की अपनी खुद की क्या होती है, एक विड्थ होती है। लेट सपोज एक्स मान लेते हैं उस विड्थ को, और ये होता है पी और ये होता है एन, और यहां पर बनता है कैपेसिटेंस जिसको बोलते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस, राइट। अब कोई भी कैपेसिटेंस दुनिया का हो तो वो होता है एप्सिलॉन ए बाय डी ही होता है, जो डी होता है तो बेटा वो विड्थ ही होती है। तो दुनिया का कोई भी कैपेसिटेंस हो यार, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हो, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हो, फलाना कैपेसिटेंस हो, धमाका कैपेसिटेंस हो, अगर कैपेसिटेंस है तो वो बाय डिफॉल्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विड्थ के। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ओनली। इसमें कोई लॉजिक लगाना ही नहीं था, बस केवल आपको गोल गोल घुमा दिया और आप गोल 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 घूम गए, और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक फुल वेव रेक्टिफायर में करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लो फॉर,
एक फुल वेव रेक्टिफायर में हर एक डायोड में जो करंट फ्लो होता है वो कितने के लिए होता है। आज का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अलग ही लेवल पे लेके आया हूँ, ध्यान रखना, एकदम अलग ही जा रहा है भाई ये क्वेश्चन, एकदम अलग लेवल पे चल रही फिजिक्स आज, ठीक है। और अब ऐसे ही चलेगी पेपर के एक दिन पहले तक, ध्यान रखना। बाजा नहीं बजा दिया तो बोलना, बाजा नहीं बजा दिया तो बोलना, है ना, एटीसी का बाजा नहीं बजा दिया तो बोलना। एक फुल वेव रेक्टिफायर में करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोस फॉर, तो हर एक जो करंट फ्लो होता है एक फुल वेव रेक्टिफायर में, एक फुल वेव रेक्टिफायर में जो करंट फ्लो होता है हमारा ईच ऑफ द डायोड में, वो फ्लो होता है कितने के लिए, हाफ साइकिल के लिए। कैसे भैया? तो फुल वेव रेक्टिफायर में मैं बता देता हूं आपको, सप्लाई की आधी साइकिल के लिए दो डायोड ऑन होते हैं, सप्लाई की रिमेनिंग आधी साइकिल के लिए दो डायोड ऑन होते हैं, तो कुल मिला के आधी साइकिल के लिए फ्लो होता है, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल, तो हाफ साइकिल के लिए फ्लो होता है, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर और नॉट? एब्सोल्युटली सर। चलो, इज इट पॉसिबल 30/30? भाई पॉसिबल तो है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं कि जितनी तरीके से मैंने पेपर देखा है, दो क्वेश्चन बोल सकता हूं मतलब ऊट पटांग आ ही जाते हैं, जब बच्चा या तो खुद गलत कर देता है या भूल जाता है या ऐसा होता है जो एकदम से वो टॉपिक छूटा हुआ चला जाता है पढ़ने में, तो दो क्वेश्चन मान लेता हूं। 28 इज प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड 24 इज एवरेज, जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना वो भी 24-25 तो लेके आते हैं, ठीक है, ये भी बोल देता हूं। चलो, तो लड़ाई केवल 24-28 के बीच की है, अगर आपके 25 के ऊपर आ रहे हैं दैट मींस आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया है आपने, राइट, फिजिक्स में आपका अच्छा स्कोर है, बाकी आपको बाकी जगह से नंबर चुराने हैं। मैथमेटिक्स में 30 में से 30 आते हैं, पहले बता देता हूं, 29 भी आते हैं, 28 भी आते हैं, ये एवरेज है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में 24-23 एवरेज होता है, तो मैथमेटिक्स में वही एवरेज 26-27 के आसपास होता है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में मिला के भाई आपको 52 नंबर के ऊपर लेके आना है ना, 52 क्रॉस करना है, और बचा हुआ नॉन टेक्निकल में से एप्टीट्यूड रीजनिंग पूरा बनता है सारे बच्चों से, एक इंग्लिश और जनरल स्टडीज है, तो इंग्लिश और जनरल स्टडीज से मान लो 7 नंबर आपका नहीं आया, है ना, 7 नंबर आपका जनरल स्टडीज से नहीं आया, और इंग्लिश से मान लो 5 नंबर नहीं आया, 7, 5, 12 और 8, 20, 100 के ऊपर आपको टारगेट लेके चलना है, दैट्स इट। चलिए ना, फेरोमैग्नेट और फिर बाकी जो नहीं बने उन्हें तुक्का भी तो लगा होगा, तो इतनी तो किस्मत घटिया नहीं है कि 20 तुक्के लगाए तो 200 के 200 ही नहीं बने, अरे कम से कम 3-4 तो सही हो जाएंगे, इतना तो मान के चलते ही अपने आप को, नहीं चलते हो मान के, कम से कम अंग्रेजी में तो हो ही जाएगा सही, कहीं नहीं लगा तुक्का तो, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए 100 क्रॉस आराम से आता है बच्चों को। चलिए, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इंसर्ट करते हैं करंट कैरिंग सोलेनोइड में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड क्या हो जाएगी? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं एक करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड क्या हो जाएगी? यार आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हो जो कि सबसे अच्छा चुंबकीय पदार्थ होता है, तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा बेटा? बढ़ा देगा। डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब लार्जली बढ़ाएगा कि स्लाइटली बढ़ाएगा? अरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यार, तो तेजी से बढ़ाएगा, कम कैसे बढ़ा देगा? एक स्प्रिंग आ गई क्या? स्प्रिंग कल, ये भी कल, हाँ ये मैं आज कर रहा हूं, हाँ क्या है? स्फीयर फ्रॉम द सरफेस, स्फीयर, ये भी कल, ग्लास स्फीयर है, कल आएगा। पॉइंट्स ऑफ स्फीयर में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स द शेप ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट, कल, कल भी मैराथन है बेटा शाम को 5 से 7, ये करो। द लाइट एमिटेड पीएन जंक्शन कैन ऑल्सो बी मेड टू एमिट डैश एंड दस कैन सर्व एज अ लेजर, तो भैया लेजर की डेफिनेशन पूछिए, बोलिए लेजर में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है या स्टिमुलेटेड एमिशन होता है? जल्दी बताओ लेजर में कौन सा एमिशन होता है, लेजर में कौन सा एमिशन होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। कितने तुक्के गलत हो गए रिया आज तक जीवन में, कितने तुक्के गलत हुए आज तक जीवन में? केवल क्वेश्चन में तुक्के गलत होते हैं कि सभी जगह गलत हो जाते हैं, ये बताओ पहले, हाँ तुक्के कितने गलत हुए जीवन में आज तक? चलो ऐसे नहीं बोलते, जीवन के सारे तुक्के हमारे गलत हो चुके हैं। चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी, भैया क्या ये स्टिमुलेटेड एमिशन है या स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जल्दी बोलो। लेजर क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जल्दी बोलो। हुआ, बोलिए क्या ये? दैट इज ऑलवेज स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर इज नथिंग बट गाइस स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सौरभ दास
सर जी कैसे हैं? बहुत दिन बाद आपको क्लास आया, बहुत अच्छा लग रहा है। अप्रेंटाइज खत्म हुई, यहीं रुकना, आप जाना मत कहीं। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, चल यहीं रहना, आप जाना मत कहीं। तो आज तूने ये क्या लिखा, तेरा नाम क्या आगे? फेलियर स्टूडेंट। और कुछ नहीं मिला तेरे को नाम के आगे लिखने के लिए? इंजीनियरिंग लिख देता ER। चलिए चलिए। सो गाइस, एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे। और एक बात और बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चे बेटा ATC फिजिक्स के लिए राइट नाउ तैयारी करना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को बोलूंगा गाइस, इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो तो यहां पे सबसे पहले आपको एक चीज दिखती है, AAIJEE ATC सुपर कोचिंग। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो मैं आपको बताता हूं, अभी भी आपके पास बेटा समय है करीब करीब 20 से 30 दिन का। तो मैं आपको यही बोलूंगा, किस्मत अच्छी है, आराम से अपन लोग करेंगे। मैं आपको यही बोलूंगा कि जब भी इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो सबसे पहले आपको मिलता है मेरा यहाँ पर एक बेहतरीन ATC का, है ना। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पहली लिंक पर जब आप आओगे, हजारों बच्चों ने ऑलरेडी अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दी है यहाँ पे। कुछ ने तो एक महीने पहले कर दी थी, कुछ अभी रिसेंटली कर चुके हैं 10-15 दिन से। तो मैं आपको भी बोलूंगा गाइस, यहाँ पे ही मेरा फिजिक्स का बैच आप लोगों को मिलता है। मेरे फिजिक्स के बैच के साथ आप लोगों को मिलता है अतुल सर का, जो कि मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं ATC के, और उनका बैच आपको मैथमेटिक्स का मिलता है। इसके अलावा गाइस, नॉन टेक्निकल के लिए आप लोगों को नॉन टेक का बैच यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। फिजिक्स का जो 11th वाला पोर्शन, उसके लिए हमने 3 बैचेस और आपको अलग से प्रोवाइड किए। शैलेंद्र कंटक सर का बैच है, निम्बस लर्निंग का बैच है, अशोक यादव फोटोनिक्स का बैच है। इन सारे बैचेस के अलावा गाइस, इनमें से आप 11th का वो पोर्शन फिजिक्स का पढ़ सकते हो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मैकेनिक्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, SHM साउंड हो गया, थर्मल हो गया। और गाइस, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरी रेगुलर फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस यहाँ पे चलती है हफ्ते में 2 दिन, दैट इज ऑन ट्यूजडे एंड फ्राइडे। मैथमेटिक्स की मेरी स्पेशल अतुल सर की स्पेशल क्लासेस चल रही है। डाउट एंड रिविजन नॉन टेक की अगर हम बात करें तो डाउट एंड रिविजन नॉन टेक की हर दिन आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलती है। और हर संडे को मैं स्ट्रेटेजी सेशन भी आपके लिए लेके आता हूँ और आप लोगों से बातें करता हूँ, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये रात को 9:30 बजे होता है। उसके बाद गाइस, 18,500 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर गाइस, आप लोगों को मिलते हैं 207 टेस्ट, 80 चैप्टर टेस्ट, 52 चैप्टर टेस्ट, पार्ट बी के 30 सब्जेक्ट टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं। और इसके प्राइस को गाइस हमने बहुत कम करके रखा है, आप 3 मंथ या 6 मंथ के लिए जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा 6 मंथ के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कभी कभी किसी कारण से पेपर पोस्टपोन हो जाते हैं। आपको भी पता होगा इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है, इवन पब्लिक सेक्टर्स के साथ भी हो जाता है। तो ऐसा सेफ साइड आप 6 मंथ के लिए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि 3 मंथ के बाद आपको वापस 3 मंथ करना पड़े, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो गो फॉर 6 मंथ्स। तो मैं जैसे ही बोलूंगा 6 मंथ के लिए आप जाते हो तो यहाँ पर आप एक कूपन कोड अप्लाई कर देंगे, मेरी रेगुलर क्लास देखते रहिए, कल भी मैराथन रहेगा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। तो आप देखेंगे दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा गो फॉर 6 मंथ्स। अगर ये श्योर शॉट होता कि पेपर में एकदम 100% डेट आ चुकी होती तो मैं आपको ये रिकमेंड करता बेटा, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ होता, ठीक है। बट राइट नाउ अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, दिस इज द नेम ऑफ द कूपन कोड, दैट इज मोहित के। 99% तो मैं श्योर हूँ कि 3 महीने में पेपर हो जाएगा, इवन 99.99% अगर कुछ नहीं होता है तो, लेकिन फिर भी नहीं होता, एक भाई एक थोड़ा सा रहता है ना, तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो दैट इज मोहित के, जब आप अप्लाई करते हो तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है और वो सिर्फ 3899 हो जाती है। और इसी तरीके से गाइज, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दे देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेना। द नेम ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इज मोहित कसरिया सर टेस्ट बुक। और मेरी क्लास के बाद ही इसको परचेस करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना डिस्काउंट बताया उतना पूरा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको मेरी सारी क्लासेस की लिंक्स मिल जाएंगी, सारी क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा। तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल गाइस, राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। चलिए तो अब अपन लोग बढ़िया तरीके से फिर मिलते हैं, सेशन को लाइक करिएगा। सर इसमें RRBJEE कवर होगा, AIITC में नहीं अभी भाई, AJEE में आपका RRB कवर हो जाएगा। अगर आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल के हो, तो मैकेनिकल वाले में RRB कवर हो जाएगा, लेकिन इस वाले में नहीं, ये स्पेसिफिक ATC के लिए। उसके लिए आप AJEE वाला लें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब AJEE वाले में ATC हो जाएगा, है ना, लेकिन ATC वाले में वो सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा फिजिक्स वाले हो अभी भाई, तो फिजिक्स वाला तो नहीं, इसमें नहीं, फिर RRBJEE भूल जाओ, RRBJEE का नहीं, फिर वो कुछ जब RRBJEE आएगा उसके लिए फिजिक्स के लिए कुछ अलग से होगा, ठीक है। चलिए तो फिर अपन सेशन को लाइक करके 90 क्रॉस कर देना भाई, तो फिर अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से। कल फिर मैराथन है तो कल फिर मचाएंगे और बाजा बजा देंगे, ये आप सबको पता है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।